हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में बताऊंगी। बहुत बार स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पर कि हमें इसका इंपॉर्टेंट सिलेबस बताया जाए, एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं। मान के चलो कि जून में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और जो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको आप लोग स्किप कर सकते हो वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे ये जो बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस है ये जे यूनिवर्सिटी में इसका थोड़ा डिफरेंट सिलेबस है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई होती है, लेकिन हरियाणा यूनिवर्सिटी में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जिसमें ये अभी इसी इवन सेमेस्टर्स में अप्लाई हो रखी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी किसी सेमेस्टर में भी हो आपका सिलेबस मैच करना चाहिए बुक के। काफ़ी क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग नेम से भी दे दिया जाता है। जैसे अभी मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ा रही हूँ एप्लीकेशन पर, तो वही बुक जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस अगर आप सिलेबस चेक कीजिएगा तो वहाँ पर रियल एनालिसिस के नेम से है, है ना। तो बुक के नेम पर नहीं, कंटेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बुक का नेम डिफरेंट डिफरेंट। बाकी डीयू में अगर आप देखेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में जो आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हो ये डीयू यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में रियल एनालिसिस के नेम से है। काफ़ी स्टूडेंट ने एनरोल किया हुआ है डीयू यूनिवर्सिटी के। जब स्टूडेंट सिलेबस सेंड करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा इसमें मैच ही नहीं होता है, लेकिन जब वो सिलेबस सेंड करते हैं तब उनको पता चलता है कि ये सिलेबस मैच कीजिए, आप बुक के नेम को मैच मत करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर पहला चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करना ही करना है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। पूरी बुक इस पे जो हो बेस्ड है, ये चैप्टर तो आपको करना ही पड़ेगा। फर्स्ट से लेकर नाइन्थ तक इसका यूज होता है, ठीक है। इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, फर्स्ट थ्री यूनिट की जो थ्री चैप्टर्स की एक यूनिट कवर होती है, तो पहला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तीन चैप्टर हैं इसमें तो सेकंड भी आपको करना पड़ेगा, सेकंड चैप्टर भी आपको करना ही पड़ेगा। ईजी है, बिल्कुल भी जो डिफिकल्ट नहीं है। तो हमें थर्ड चैप्टर यहाँ से छोड़ सकते हो, थर्ड चैप्टर यहाँ से आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए आ चुके हैं कमेंट, और ये मैं आपको करवाऊंगी यूट्यूब पर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी, लेकिन कंप्लीट सिलेबस एप्लीकेशन पर ही होगा, और ये कंप्लीट मैं करवा चुकी हूँ। ओनली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ये अभी स्टार्ट कर चुके हैं और जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। सेंट्रल डिफरेंस जो हो इंटरपोलेशन फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सेकेंड यूनिट, ये यूनिट कौन सी है, सेकेंड, इसमें से पूरा एक क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर से कवर हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर कर लो, फिफ्थ अगर मान लो कि इसमें अप्रोक्सीमेट हैं 75 या 73, कुछ इतने पेजेस हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से 25 पेजेस भी कर लेते हो, 20 पेजेस भी कर लेते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, किसके साथ, फोर्थ चैप्टर के साथ, तो इजीली आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। वैसे तो फोर्थ में से ही कवर हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं फोर्थ चैप्टर में जो कवर हो रहे हैं, गॉस बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मेथड्स हैं। ऑलराइट, तो फोर चैप्टर तो आपको पूरा करना ही है, कंप्लीट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे मेथड जो भी आप पढ़ रहे हो, स्टर्लिंग फॉर्मूला है, बेसेल फॉर्मूला है, सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फोर चैप्टर अगर आपने कर लिया तो मान के चलो कि आपका क्वेश्चन डेफिनेटली कवर हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहता, फिफ्थ चैप्टर के आप 20 पेजेस कर लीजिए। अगर आपने फोर्थ स्किप किया है, फिफ्थ चूज़ किया है, तो शायद आप, आई थिंक ये आपके लिए भारी पड़ेगा। अगर आप फोर्थ कर लेते हैं, ये क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूलाज, जो मेथड्स आपको अप्लाई करने, फॉर्मूला याद रखना है, और उस फॉर्मूलाज के डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें जो है वो सिलेबस ज़्यादा है फिफ्थ चैप्टर में, और थोड़ा सा टिपिकल भी पड़ेगा कंपेरिजन टू फोर्थ चैप्टर, है ना। तो इसलिए आप कोशिश करो कि फोर्थ चैप्टर कीजिए। अब तो खैर अगर एग्ज़ाम आपके और भी ज़्यादा नज़दीक है, अगर आपके पास 20 दिन का भी टाइम नहीं है तो आप चेंज ना करें। अगर आपने फिफ्थ किया है तो आप इसी को अच्छे से करें, है ना। अगर फोर्थ अभी तक आपने टच नहीं किया है तो आप इसके फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ सकते हैं, उस पर बेस्ड। एक बार अगर आपने एक फॉर्मूला अच्छे से कर लिया तो बाकी सभी फॉर्मूलाज हो जाते हैं। फॉरवर्ड अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, गॉस फॉरवर्ड, देन गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग एंड बेसेल फॉर्मूला, उन्हें भी बेस्ड है। ओके, इसके बाद सिक्स्थ और सेवेंथ
इन दो चैप्टर्स में यूनिट थर्ड कवर होती है, यूनिट थर्ड। यहाँ से आप एक चैप्टर कर सकते हो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन या आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सेवन चैप्टर करो, सेवन्थ चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दो चैप्टर हैं तो आप लेंथी चैप्टर देख लीजिए कौन सा है। लेंथी चैप्टर में हमेशा एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के चांसेस होते हैं। अगर चैप्टर की लेंथ छोटी है, मान लीजिए कि एक चैप्टर हमारा है 20 पेजेस का और एक हमें गिवन है 50 पेजेस का, तो क्वेश्चन यहाँ से पूरा थोड़ी ना कवर करेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेगा एक पार्ट यहाँ से भी ले सकता है। अब इसके पास इतना मटेरियल है कि इसमें से डेढ़ क्वेश्चन निकल सकता है, है ना। तो आप आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स कीजिए। जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, अगर आप सिलेक्टेड कर रहे हो तो चैप्टर में से कुछ भी टॉपिक, कोई क्वेश्चन छोड़ने की गुस्ताखी मत करना। वो जो चैप्टर है वो आप कंप्लीट कीजिएगा, ताकि कम से कम एक क्वेश्चन तो कवर हो। एक क्वेश्चन का कोई भी हमें रिस्क नहीं लेना है कि एक क्वेश्चन के लिए भी हम सेवन्थ में से इंपॉर्टेंट चूज कर रहे हैं, छठा हमने छोड़ दिया, सिक्स चैप्टर हमने स्किप कर दिया, इसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं सेवन्थ में से भी इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। इसके बाद है एट्थ और नाइन्थ, यहाँ पर आपकी यूनिट फोर्थ कवर होती है, यूनिट फोर्थ, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, आप वैसे तो पूरा सिलेबस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने आपको जो चैप्टर स्किप करने के लिए बोला है सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ अगर आपने कंप्लीट सिलेबस किया है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे, है ना। लेकिन जो हम सिलेबस स्किप कर देते हैं वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन का रिस्क रहता है, ओके। तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्किप कर सकते हो, और न्यूमेरिकल जो सोल्यूशन है ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, रुंगा कुट्टा मेथड आता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलर, वैसे तो टेलर मॉडिफाइड मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी मेथड आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। नाइन्थ चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जैसे मैंने फोर्थ चैप्टर में बताया, इसी तरीके से नाइन्थ चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल बने कितने, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सेवन्थ और नाइन्थ, सिर्फ यही तो चैप्टर्स करने हैं आपको, और आपका पूरा सिलेबस जो है यहाँ से, यानी पूरा पेपर कवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन से वो सारे आपके वहाँ पर कवर हो जाएंगे इस सिलेक्टेड चैप्टर्स में से, ठीक है। और अगर फिर भी कोई क्यूरी है आपकी, फिर भी किसी चैप्टर में से कुछ भी आपको पूछना है, तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, आप क्या करिएगा व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 9416941982, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी बीएससी का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपको नहीं पता है, तो कोई भी स्टूडेंट, कोई गांव में रहता है, किसी के पास ट्यूशन नहीं है, या फिर आपके आसपास कहीं अवेलेबल नहीं है और आपको करना है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन, और वहाँ पर सभी कोर्सेज बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। फिर भी किसी चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पूछनी, कोई मेथड पूछना है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर बाय चांस अगर मैं उसी दिन रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरीज हो जाती हैं, और आपका बाय चांस अगर छूट जाता है, तो आप प्लीज़ रिमाइंड ज़रूर करवाइएगा, और नेक्स्ट डे जो है वो आपकी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सारे जो मैंने सिलेक्टेड चैप्टर बताए हैं इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है। जो मैंने आपको चैप्टर बताए हैं आप ये कर लेंगे, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। इनको अच्छे से करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।